सी एच को मिलाकर जो साउंड आती है वो होती है च, जैसे कि चैम्पियन, चाइल्ड, चर्च। नहीं, सी एच को मिलाकर तो क की साउंड आती है। आपने केमिस्ट्री, स्कूल, केमिस्ट सुना नहीं क्या? अरे नहीं, सी एच को मिलाकर तो श की साउंड आती है। ब्रॉशर वर्ड देखो, इसमें सी एच है लेकिन साउंड तो श की आ रही है। हम इसको ब्रॉकर या ब्रॉचर थोड़ी बोलते हैं, हम इसे ब्रॉशर बोलते हैं। यस, सो कंफ्यूज हो गए ना आप सभी। सो दिस इज अ बिग कंफ्यूजन। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके यही सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ कि सी एच को मिलाकर एक्चुअली में क्या साउंड्स क्रिएट होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि एंड में मैं आपको इस साउंड से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबने जैसा कि देख ही लिया कि बिगिनिंग में मैंने आपको हिंट दे दिया कि सी एच को मिलाकर तीन तरह की साउंड्स क्रिएट होती हैं। जो सबसे कॉमन, जो सब बच्चे जानते हैं कि सी एच को मिलाकर जो साउंड आती है मोस्टली वो होती है च, च की साउंड, मीन्स इस तरह की साउंड आती है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स भी देखे कि चैम्पियन, चाइल्ड एट्सेट्रा। लेकिन सी और एच को मिलाकर क की साउंड भी आती है। जैसे कि हमने देख लिया कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट है, स्कूल है, तो इन सब में क की साउंड आ रही है। तो अब इसी तरह से कई बार सी एच को मिलाकर श की साउंड भी आती है। तो आज इस वीडियो में हम इन सारे शब्दों को ध्यान से देखने वाले हैं और हम उन्हें स्टडी करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत यूज़फुल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम उन शब्दों को देखते हैं जिसमें कि सी एच को मिलाकर च की साउंड क्रिएट होती है। तो ये सारे वर्ड्स हैं चेयर, चौक, चैप्टर, चेज, चेज मीन्स किसी का पीछा करना, चीप, चेक, चीयर, चीज, चेरी, चेस्ट, च्यू, चिक, चाइल्ड, चिन, चिप, चूज, चॉप। इन सभी वर्ड्स में च जो है वो बिगिनिंग में आ रहा है। और अब हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें च की साउंड एंड में आ रही है, जैसे कि बीच, बेंच, ब्रांच, कैच, कोच, काउच, हैच, लंच, मार्च, मैच, पैच, पिच, रैंच, रीच, स्पीच, स्ट्रेच, स्टिच एंड टच। तो आप इन सबको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि इन्हें मैंने किस तरह से रीड किया है। तो चलिए अब हम उन वर्ड्स को स्टडी करते हैं जिसमें सी एच से क की साउंड आती है। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर सामने हैं आपके, और इनके वर्ड्स और इनके सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स होते हैं एक, ए सी एच ई एक, एंकर, केओस, केमिस्ट, कोरस, एको, मोनक। अब मोनक जो होता है वो एक किंग होता है, एको का मीनिंग होता है कोई चीज़ गूंजना, कोरस होता है जब आप कोई चीज़ को एक साथ गाते हैं, केमिस्ट आई थिंक सबको पता होगा, केओस होता है कि एक बहुत ज़्यादा कहीं पर आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, एंकर का मतलब होता है कोई शिप का एंकर होता है, जैसे एक का मतलब पेन होता है। तो आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी साउंड जो कि सी एच से क्रिएट होती है, वो है श। तो श की साउंड वाले वर्ड्स हैं शेफ़।
शेफ आप सबको पता होगा कौन होते हैं जो फूड सर्व करते हैं या बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है शैम्पेन। तो आप इस वर्ड को बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे क्योंकि इसकी स्पेलिंग और इसको बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। तीसरा वर्ड है हमारा शैले। ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, इसकी प्रोनंसिएशन आप ध्यान से देखेंगे। इट इज़ शैले, टी साइलेंट है इसमें, और शैले का मीनिंग होता है एक वुडन हाउस। मोस्टली ये माउंटेन एरियाज में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड मशीन। वो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। ब्रोशर भी आपने ज़रूर सुना ही होगा। उसके बाद पैराशूट के बारे में भी आपको पता ही होगा। तो आप इन सब वर्ड्स को ध्यान से स्टडी करें और इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। तो अब हम देखेंगे इस सी एच साउंड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो सी एच वर्ड्स हैं जिनसे कि के की साउंड आती है, मींस जिनसे क की साउंड आती है, ये क्लासिकल ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। और सी एच साउंड वर्ड्स जिनसे श की साउंड आती है वो मॉडर्न फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि पहले इंग्लिश ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये एक बात है कि पहले ये जो सी एच कॉम्बिनेशन वाले लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पहले सिर्फ सी ही यूज़ होता था क साउंड के लिए और सी एच साउंड के लिए भी सिर्फ सी का ही यूज़ होता था। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये कुछ टाइम पहले से ही ये लेटर जो है, ये साउंड जो है, ये क्रिएट हुई है। और इसके अलावा एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक वर्ड ऐसा है जिसमें सी एच साउंड जो होती है वो साइलेंट होती है और वो वर्ड होता है याट। यस, उसकी स्पेलिंग है वाई ए सी एच टी। आपने ज़रूर सुना होगा याट, और इसमें सी एच की साउंड साइलेंट होती है। और ये एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें सी एच की वर्ड साइलेंट होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक एंड में एक वर्कशीट भी दे रही हूँ। आप उसे करके उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपको बता दूँगी कि वो आंसर सही है या नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।